कोरबा में उर्गा थाना क्षेत्र के सामने जबरदस्त हादसा हुआ। स्कूटी से भिलाई खुर्द से जांजगीर जिले के बमहिंजे जा रहा एक दंपत्ति ट्रेलर की चपेट में आ गया। दुर्घटना में 45 वर्षीय ज्योति पटेल की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं उसके पति रामाधार पटेल को सामान्य चोट लगी है। हादसे को अंजाम देने वाले ट्रेलर चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुसमुंडा थाना अंतर्गत भैरोताल वार्ड में रहने वाली एक महिला की मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है। मृतका जमुना शिवास की लाश घर पर संदिग्ध अवस्था में पाई गई थी। अब तक कहा जा रहा था कि उसके द्वारा फांसी लगाकर खुदकुशी की गई है और दीवार पर पति के बेगुनाह होने की बात लिखी गई थी, लेकिन पुलिस की जांच में पाया गया कि पति संजीत शिवास ने उसकी हत्या कर लाश फांसी के फंदे पर लटका दिया था और गुमराह करने के लिए दीवार पर खुद को बेकसूर होने की बात लिख दी गई थी। बताया जा रहा है कि पति के लूडो खेलने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पति ने पत्नी की हत्या कर लाश फांसी के फंदे पर लटका दिया था। कोरबा में एनटीपीसी प्रबंधन के खिलाफ करीब आधा दर्जन गांव के ग्रामीणों ने मोर्चा खोल रखा है। राखड़ बांध से उड़ रहे राखड़ से परेशान होकर लोतलोता धनरास घमोटा और चोरभट्टी के ग्रामीण जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ प्रबंधन के खिलाफ लामबंद होकर राखड़ डैम के व्हाइट हाउस के पास जमे हुए हैं और जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि राखड़ की समस्या को दूर करने प्रबंधन किसी तरह का कदम नहीं उठा रहा है, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के प्रदर्शन से मौके पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सरकार बनाने का सपना संजोए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चार्ज करने में जुट गए। पार्टी के बड़े नेता लगातार क्षेत्र का दौरा कर चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। युवक कांग्रेस की छत्तीसगढ़ प्रभारी प्रियंका सरार ने पंचवटी विश्राम गृह में युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जरूरी बैठक ली और चुनाव के संबंध में जरूरी चर्चाएं की। कोरबा में बांगो थाना अंतर्गत कटघोरा अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मड़ई घाट के पास अज्ञात वाहन की ठोकर से एक दिव्यांग बालक बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे 112 की सहायता से अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। ग्राम लमना निवासी 15 वर्षीय सुनील कुमार अपनी ट्राई साइकिल में मड़ई स्थित पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाने जा रहा था, इसी दौरान हादसा हो गया। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम ने संवेदनशीलता का परिचय दिया और वाहन में बिठाकर अस्पताल लाए, जहां उसका उपचार जारी है। बालोद जिले में एक बार फिर से तेंदुए का आतंक देखने को मिला है, जहां गुरुर वन परिक्षेत्र के ग्राम सोनई डोंगरी के फार्म हाउस में घुसे बाघ ने एक कुत्ते के बच्चे को उठाकर अपने साथ ले गया। इस घटना की तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसकी जानकारी फार्म हाउस संचालक द्वारा वन विभाग को दिया गया है। इस घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है, हालांकि वन विभाग इस घटनाक्रम को काफी गंभीरता से ले रहा है। बेटे को जन्म दिया, पाला और संतति आगे बढ़ाने के लिए विवाह कर दिया। उम्मीद थी कि अब बुढ़ापा प्रेम और शांति से कटेगा, लेकिन सपने ध्वस्त हो गए और बेटा बहू ने बुजुर्ग माता पिता को घर से निकाल दिया। अब यह बुजुर्ग दंपत्ति घर से दूर रेलवे स्टेशन पर रहकर किसी तरह अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। चापा जांजगीर जिला मुख्यालय के हाई स्कूल मैदान व कृषि उपज मंडी जांजगीर में आज शाम से 3 दिवसीय लोक महोत्सव और एग्जिट एक मेले का आयोजन किया जा रहा है। तैयारियों का जायजा लेने के पश्चात कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने बताया कि मेले का शुभारंभ प्रभारी मंत्री जयसे अग्रवाल करेंगे। दूसरे दिन मंत्री रविन्द्र चौबे भी किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। तीसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत कार्यक्रम के समापन समारोह में शामिल होंगे। कोयला मजदूर सभा HMS के कुसमुंडा कार्यालय में केंद्रीय महामंत्री नाथूलाल पांडे, केंद्रीय अध्यक्ष रेशम लाल यादव, केंद्रीय उपाध्यक्ष RS पाल, अरुण झा व वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में बैठक रखी गई, जिसमें समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा संगठन विस्तार व केंद्र सरकार की नीतियों पर चर्चा की गई। बैठक में मजदूरों के हित में काम करने का संकल्प दोहराया गया। कोरबा के पंडित रविशंकर शुक्ल नगर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ समाप्ति की ओर। धार्मिक आयोजन के समापन की तिथि जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे कथा स्थल पर श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ रही है। कथावाचक राजू भैया द्वारा रोजाना भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं व प्रसंगों का वाचन किया जा रहा है, जिसे सुन व देख कर लोग भाव विभोर हो उठते हैं। 26 जनवरी से शुरू हुए इस धार्मिक आयोजन का समापन 2 फरवरी को हो जाएगा।